प्लीज प्लीज मुझे रेड कलर के हेयर मिल जाए ताकि मैं अमीर बन जाऊँ प्लीज। मम्मा अब तक मेरे हेयर का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा तुम्हें 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या 24 घंटे? लेकिन मम्मा मैं अपने सारे फ्रेंड्स को प्रूफ कैसे करूंगी कि मैं रिच बन गई हूँ? कितना स्टूपिड है ये सब। मेरे हेयर्स का कलर रेड है इसका मतलब मैं रिच हूँ, और मेरे हेयर्स का कलर ब्लू है इसका मतलब मेरा लेवल हाई है। जिया तुम्हारा हेयर अभी तक ब्लैक है? वो ये अभी तक अपीयर नहीं हुआ। फाइन, अगर तुम्हारा हेयर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। क्या? स्टूडेंट्स क्लास को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। रेड हेयर वाले हाईएस्ट क्लास में जाएंगे और ब्लू हेयर वाले लोएस्ट क्लास में जाएंगे। लेकिन सर मैं कौन से क्लास में बैठकर पढ़ाई करूंगी? तुम आउटस्टैंडिंग क्लास में जाकर बैठ जाओ। आउटस्टैंडिंग क्लास? हाँ, इस आउटस्टैंडिंग क्लास में तो मेरे सिवा और कोई नहीं है, मतलब यहाँ सिर्फ मैं अकेली पढ़ूंगी। व्हाइट हेयर? लेकिन मुझे तो लगा था कि सिर्फ रेड और ब्लू कलर के हेयर होते हैं। ये व्हाइट कलर का क्या मतलब है? तुम्हारा हेयर कलर व्हाइट है? हाँ सर, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है। क्या? इसका कोई मतलब नहीं है? और मुझे लगता है कि तुम्हें हेयर ड्रेसर के पास जाकर अपने हेयर का कलर चेंज करवा लेना चाहिए। हेयर ड्रेसर? हाँ, अब तुम चलो मेरे साथ। ओके सर। गाइस क्या तुम लोगों ने जिया के व्हाइट हेयर को देखा? हाँ, फाइनली किसको तो डिफरेंट हेयर कलर मिला। मुझे भी चाहिए। सर ये सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम इन सबको इग्नोर करो और मेरे साथ जल्दी चलो। ओके सर। हम पहुंच गए हैं, तुम अपनी आईज बंद कर लो, तब तक ये तुम्हारे हेयर्स को ठीक कर देंगे। जी हाँ, एक मिनट, यहाँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सर एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ तुम क्या कहना चाहती हो? जी हाँ, मुझे रिसर्च पर्पस के लिए तुम्हारे थोड़े से हेयर चाहिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या तुम लोगों ने इसकी व्हाइट हेयर को देखा? हाँ, कितने अजीब लगते हैं ना। अगर हम इसके व्हाइट हेयर को बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना? ये सब लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? हे व्हाइट हेयर, तुम मेरे साथ चलो अभी। नो, तुम एक स्ट्रेंजर हो और मैं स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चुप रहो और जल्दी चलो। हे छोड़ो मुझे, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें यहाँ छुप कर रहना होगा। यहीं पर छुप कर रहना होगा? अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो सब लोग तुम्हारे व्हाइट हेयर के अगेंस्ट है। लेकिन वो मेरे व्हाइट हेयर के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि तुम्हारे हेयर मैजिकल है। मैजिकल? हाँ, और तुम अपने हेयर से जो भी कहोगी वही करेंगे। जो मैं इन्हें बोलूंगी वही करेंगे? हाँ, और इसीलिए वो तुम्हारे हेयर को काटना चाहते हैं ताकि इसका मैजिक चला जाए। फिर तो मुझे इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, तुम यहाँ सेफ रहोगी, क्योंकि बाहर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अगर मैं यहीं छुपी रहूंगी तो फिर मैं खाऊंगी क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। आई थिंक मुझे अब सो जाना चाहिए, वैसे भी काफी लेट हो गया है। कहाँ छुपाया तुमने जिया को? सर वो वहाँ है, वो देखो वो सो रही। अच्छा हुआ तुम उसे बहला फुसला कर यहाँ ले आए। अब ये लो सीजर और जल्दी से उसके बाल काट कर मुझे दो। ओके सर। ए, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बाल। सॉरी जिया, इन लोगों ने मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर किए इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ओके, कुछ भी करने से पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। बोलो। मैजिकल हेयर प्लीज ऐसा कर दो कि ये सब लोग मेरे हेयर कलर के बारे में भूल जाए। हाँ, ये सीजर मेरे हाथ में क्या कर रही है? मैं यहाँ पर कैसे आया? क्या ये काम किया? क्या काम किया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस अंडरग्राउंड गैरेज में क्या कर रहा हूँ मैं? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरा हेयर कलर नहीं दिख रहा? ऑफ कोर्स दिख रहा है, ब्लू कलर के हेयर है तुम्हारे, इसीलिए तुम इस गैरेज में पड़ी हो। और जाकर लोअर क्लास में बैठ जाओ, समझी? सर चलिए हम ऑफिस में चलते हैं, चलो यहाँ से।